दोस्तों आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाला है पेटीएम का और एक नया ऑफर, जिस ऑफर के आप अगर इस्तेमाल किए तो आपको मिल सकता है एवरी अकाउंट पे 20 रुपीज़ का बैंक अकाउंट में आपको पैसा मिल जाएगा। मतलब आपके पास एक केवाईसी या नॉन केवाईसी अकाउंट है जिसमें से आपको मिलेगा 20 रुपीज़ का बैंक अकाउंट में पैसा, एड मनी का पैसा। तो उसके लिए आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है और बहुत कुछ करना है जो आज हम इस वीडियो में बात करने वाला हो। तो आज वीडियो देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे उस ऑफ़र को। उस ऑफ़र के लिए आपको पेटीएम अकाउंट ओपन कर लेना है और उसके बाद आपके पास अगर केवाईसी वाला अकाउंट है तो बहुत मस्त है, केवाईसी वाला नहीं है तो भी नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपका अगर पेटीएम का ऐप्स अपडेटेड नहीं है तो आप थोड़े अपडेट कर लीजिए और उसके बाद आप कैसे उस ऑफ़र को लेना है मैं बोल देता हूँ। आप सिंपली चले आइए कैशबैक सेक्शन में, कोने की तरफ आप आ जाइए अगर, तो आपको कैशबैक सेक्शन मिल जाएगा। ओके, दिस सेक्शन में, कैशबैक सेक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद आप कैशबैक में क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो इधर बहुत सारा ऑफ़र है। इस ऑफ़र में से आपको जिस ऑफ़र के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ उसमें से एक ऑफ़र है 2 पे 21 गोल्ड ऑफ़र, जो आपको पहले से मालूम है। आप इसको एक्टिवेट करके 11 रुपीज़ पैसा ले सकते हो। दूसरा जो ऑफ़र जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ वो है, दिखा देता हूँ अभी, 2 पे 20 पे एट नियर बाई शॉप। ओके, क्या बोला, 2 पे 20 नियर बाई शॉप। तो इस ऑफ़र को कैसे आप लेंगे, 2 पे 20 नियर बाई शॉप, मतलब इस ऑफ़र का टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको एक बार बोल देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। ओके, इस ऑफ़र है अगर आप 2 टाइम्स कोई शॉप के 20 रुपीज़ करके पैसा सेंड किया, मतलब पैसा पे किया, तो आपको क्या होगा, 20 रुपीज़ का कैशबैक आएगा। मतलब आप 40 रुपीज़ सेंड किया तो आपको 20 रुपीज़ कैशबैक आएगा। लेकिन कोई कौन सा शॉप जिसको आप सेंड करोगे ऐसा तो शॉप आपके पास नहीं है, तो इसीलिए अगर आपके पास पेटीएम बिजनेस अकाउंट है तो उस बिजनेस अकाउंट में आपका जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके आप इस पैसा को ले सकते हो। और इस ऑफ़र कब चला जाएगा ये कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी इस ऑफ़र को कर लीजिए। एक्चुअली इस ऑफ़र है अभी 31 अगस्त तक। ओके, तो 31 अगस्त के अंदर आप कोई भी बैंक फ़ोनपे में, फ़ोन से आपका कोई भी पेटीएम अकाउंट का मर्चेंट ऐप में ट्रांसफ़र किया तो आपको एवरी अकाउंट में 20 रुपीज़ का पैसा मिलेगा, जो बहुत बड़ा धांसू ऑफर है। और इस ऑफ़र का और एक मैं बोल देता हूँ, अगर आप केवाईसी वाला अकाउंट नहीं है, मैक्सिमम केवाईसी नॉन केवाईसी वाला अकाउंट है, तो आपको 3% जीएसटी कट करके पैसा कट होगा। मतलब आपको 18.96% 996 पैसा आपको बैंक में आ जाएगा। तो देखते हैं उस ऑफ़र को अभी कैसे एक्टिवेट करना है। और आपको रिक्वेस्ट है कि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए आपको सिंपली एक्टिवेट ऑफ़र सेक्शन में क्लिक कर देना है। ओके, तो एक्टिवेट ऑफ़र में क्लिक कर दिया, करने के बाद ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा कि योर ऑफर हैज बिन एक्टिवेटेड एंड डू योर फर्स्ट पेमेंट एट नियर बाई शॉप्स। तो आप नियर बाई शॉप बोले तो फर्स्ट पेमेंट स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो मेरा फर्स्ट पेमेंट स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट करने के बाद आपको इधर क्यूआर सेक्शन, क्यूआर कोड स्कैनिंग ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास क्यूआर कोड गैलरी में है तो गैलरी से चूज कर सकते हो, और अगर गैलरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हो। तो मेरा ऑलरेडी पेटीएम का ये स्कैनिंग कोड में स्कैन कर लिया। अगर आपके पास स्कैन करने के लिए कोई दूसरा मोबाइल नहीं है तो आप गैलरी से भी कर सकते हो। तो मैं स्कैन कर लिया, स्कैन करने के बाद इधर कैसे पेमेंट करना है, 20 रुपीज़ का एक पेमेंट मार देना है। तो मैं 20 रुपीज़ का पे मार दिया। ओके, एक्चुअली ओके एक्चुअली इसमें जस्ट अ सेकेंड, तो आप देख सकते हो कि मैं 20 रुपीज़ का एक अमाउंट डाल दिया। लेकिन अगर आप ऐड टू पे करके सेंड करोगे तो आपको नहीं होगा। इधर थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्त लोग, कि अगर आप ऐड टू पे 20 रुपीज़ किया तो आपको नहीं होगा, क्योंकि इधर जो आपको बोल रहा है देख सकते हो, यू कैन नॉट ऐड दिस अमाउंट टू पेटीएम वॉलेट एज इट एक्सीडेड द मंथली अलाउड लिमिट ऑफ रुपीज़
10,000 प्लीज़ गेट योर के वाई सी डन। मतलब आपको के वाई सी नहीं है तो आप एड मनी नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए जो ट्रिक्स हम आपको दिखा रहा हूँ वो ट्रिक्स फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, ध्यान से फॉलो कीजिए। ओके, तो ओके मार दिया तो फिर मेरे को फर्स्ट पेज में लेके चला जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, सेम प्रोसेस में मैं स्कैन करूँगा मेरा QR कोड। और अगर आपके पास स्कैन का ऑप्शन नहीं है तो आप इधर से गैलरी चूज करके भी आप उस स्कैनर को आपका जो QR कोड स्कैन कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी स्कैन कर लेता हूँ आपके सामने, आप देख सकते हो। तो स्कैन कर लिया, स्कैन करने के बाद जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ वो फॉलो कीजिए। ओके, फिर सेम प्रोसेस में मैं 20 rupees मार दिया। मारने के बाद आप ऐड टू पे मत मारिए। ओके, आप इधर पेटीएम वॉलेट ऑप्शन में क्लिक करेंगे, इधर पेटीएम वॉलेट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, पेटीएम वॉलेट और भीम UPI। तो अगर आपके पास KYC नहीं है तो ज़रूर आपको भीम UPI से पैसा सेंड करना है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ भीम UPI, नहीं तो आपको ये पेमेंट नहीं होगा। तो मेरा मैं एड्रेस भी डाल देता हूँ, तो मैं मेरा एड्रेस डाल दिया। उसके बाद आप देख सकते हो कि मैं पेमेंट मार रहा हूँ। ओके, पे सिक्योरली मार रहा हूँ। तो आप देख लीजिए मैं पे कर रहा हूँ, मैं पे सिक्योरली मार दिया और पेमेंट भी चालू हो चुका है। तो आप देख सकते हो मैं मेरा पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड कर दिया और उसके बाद मैं मेरा पेमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख लीजिए कि मेरे को पेमेंट रिक्वेस्ट आ गया, पे मैं उसको पे कर देता हूँ। पे करने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो उसके लिए आप देखते रहिए मैं कैसे कर रहा हूँ। तो मैं अपना पेमेंट डिटेल्स के लिए पिन मार चुका हूँ और पेमेंट कर रहा हूँ आपके सामने लाइव देखा दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसे करना है। तो मेरा ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग और सक्सेसफुल हो गया। ओके, तो अभी मैं पेटीएम में जाके आपको दिखाता हूँ कि वो प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो कि मेरा पेमेंट कर दिया है और दूसरा पेमेंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए कि मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो मैं अभी आपको सेकंड ट्रांजैक्शन करके और एक बार दिखा देता हूँ। जो स्टेप फॉलो किया वही स्टेप सेम प्रोसेस प्रोसीजर में आप दूसरे स्टेप भी फॉलो कीजिए। तो आप देख लीजिए कि मैं मेरा ऑफर सेक्शन में आपको दिखा देता हूँ कि मैं माय ऑफर सेक्शन में ऑलरेडी वन कंप्लीट प्रोसेस कर चुका हूँ। तो आप देख लीजिए कि यू आर वन पेमेंट एट नियर बाई शॉप है फ्रॉम अर्निंग ₹20 कैशबैक। तो मैं दूसरा पेमेंट करके आपको और एक बार दिखा देता हूँ। जो प्रोसीजर में बोला वो सेम प्रोसीजर में आपको करना है, नहीं तो आप डायरेक्टली पे किया तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। ओके, तो सिंपली आप फिर दोबारा इसको प्रोसीड टू पे मार देना है। प्रोसीड टू पे मारने के बाद देख सकते हो आप पे नाउ में कर दिया, पे नाउ कर दिया और उसके बाद सेम प्रोसीजर में आपको स्कैनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और उसके आपको स्कैन करना है, अदरवाइज आपको आपका गैलरी से आपको उस फोटो को निकालना है। फिलहाल तो मैं अभी मैं स्कैन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि स्कैनिंग चल रहा है और स्कैन भी हो चुका है। ओके, तो उसके बाद सेम प्रोसीड्योर में मैं 20 rupees सेंड कर रहा हूँ और पेटीएम वॉलेट के जगह मैं क्लिक करके भीम UPI चूज कर लेता हूँ। भीम UPI चूज करके मेरा UPI एड्रेस डाल देता हूँ और डालने के बाद आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं मेरा भीम पे एड्रेस डाल दिया और प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो गया और उसके बाद आपको मैं पूरा डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो सेम प्रोसीजर में मेरा भीम का UPI रिक्वेस्ट सेंड कर दिया मेरा फ़ोन पे में। आप भी फ़ोन पे से यूज करो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आ सके, क्योंकि फ़ोन पे इजी प्रोसेस में आपको पेमेंट कर सकता है। फिर मैं पेमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो सेम प्रोसीजर में मैं फिर भी एक 20 rupees का ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो मैं 20 rupees सेंड कर दिया और वो भी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में चालू हो गया। ओके, तो ट्रांजैक्शन भी सक्सेसफुल हो चुका है। अभी हमको देखना है कि हमारा बैलेंस जो पेटीएम की तरफ से जो कैशबैक ऑफर किया था वो आया कि नहीं आया। ओके, तो मैं पेटीएम की तरफ आपको लेकर चलता हूँ।
तो आप देख लीजिए कि मेरा दूसरा ट्रांजैक्शन भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि मेरा बैलेंस आया कि नहीं, वो भी चेक कर लेके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इधर कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज भी आ चुका है और बोल चुका है कि यू हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड योर 2 पे 20 कैशबैक ऑफ़र। और सबसे बड़ा बात है कि इस ऑफ़र का जो 20 रुपीज़ है वो आपको किधर मिलेगा, वो आपको मिलेगा आपका पेटीएम वॉलेट में। तो ऐसे ही आप कमाते रहिए, आपके पास अगर एक पेटीएम अकाउंट है तो 20 रुपीज़ करके आप जितना पेटीएम अकाउंट है आप पूरा में 20 करके 10 अकाउंट है तो 200 इंस्टेंटली कमा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ में रहना ताकि आपको बाद में कोई ऑफ़र और अपडेट आए तो मिस ना हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करके साथ में रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्राइट इफेक्ट। तो आप एक बार देख लीजिए कि मेरे को गोल्ड बैक मिल गया कैसे। तो आप भी ऐसे गोल्ड बैक मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिया, आप इसको देख सकते हो कि मेरे को कैसे गोल्ड बैक मिल गया। मेरे को पहले एक परचेज़ किया था उसका भी गोल्ड बैक आ चुका है। और अगर आपको कैसे बैंक में ट्रांसफ़र करना है नहीं मालूम है तो मैं उसका एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो कि कैसे